वेलकम टू पूनम की रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पिज्जा की रेसिपी। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, टेस्ट बिल्कुल पिज्जा जैसा और बन भी जल्दी जाता है। स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। यहाँ मैंने ब्रेड के 8 स्लाइसेस ले लिए हैं। अब हम इसे गोल शेप में कट कर लेते हैं। एक एक करके काट लेंगे। देखिए, इसे काटने के लिए मैंने ये कटोरी ले ली है। इसे ब्रेड पे रखकर इस तरह से प्रेस करते हुए रोटेट करेंगे, जिससे कि आसानी से कट जाए। देखिए कितने अच्छे से कट गया है। और ये जो ब्रेड के साइड्स बची हैं, इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होंगे। तो चलिए इसी तरह से और भी काट लेते हैं। देखिए, सब इस तरह से काट लिए हैं। हम टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके, एक मीडियम साइज का बारीक कटा टमाटर, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, इसे भी बारीक काट लिया है, एक छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। अगर आप चिल्ली फ्लेक्स नहीं डालना चाहें तो रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच ओरिगेनो, चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे। देखिए तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। ये हमने जो ब्रेड पीसेस काट लिए थे, उन पर इस तरह से मैं टमाटर चिल्ली सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं। देखिए, हमें इस तरह से सॉस स्प्रेड कर लेना है। इसे रख के और लगा लेते हैं। इसी तरह बाकी भी लगा लेंगे। सब पर लगा लिया है। अब हर स्लाइस पे ग्रेटेड मोजरेला चीज रख देंगे। देखिए इस तरह से। अब जो हमने टॉपिंग बनाई थी वो भी इस पर रख देंगे। देखिए इस तरह। अब फिर से जो चीज ग्रेट कर रखी थी वो इस पे डाल देंगे। तैयार है, तो चलिए सेक लेते हैं। मैंने गैस पे तवा रख के गर्म कर लिया है। अब इस पर बटर लगा लेंगे। अब इस पे मिनी ब्रेड पिज्जा सिकने रख देते हैं। अब इसे लीड से कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए चीज मेल्ट हो गया है, काफी यमी लग रहा है। इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और टेस्ट भी मजेदार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये पिज्जा छोटी मोटी पार्टी के लिए भी परफेक्ट है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। थैंक यू।